वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे मशरूम मेथी मलाई। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मशरूम, इसको हम स्लाइस में कट कर लेंगे। 1 रफली चॉप्ड अनियन, 2 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, 10 काजू, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, 1 दालचीनी, 2 लौंग, 5 से 7 साबुत काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, काजू। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें पानी डाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इसकी हमने पेस्ट बना लिया, अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें पेस्ट डालेंगे जो हमने ग्राइंड की है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम सॉटे कर लेंगे। इसको हम अच्छे से सॉटे करेंगे क्योंकि इसमें प्याज भी कच्चा है जो हमने यूज किया है, अदरक लहसुन, इसलिए इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है तब तक हम दूसरे पैन में मशरूम्स को भी कुक कर लेंगे। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे, जिसमें दालचीनी डालेंगे, लौंग और काली मिर्च। अब इसमें मशरूम्स डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मशरूम्स को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। मशरूम कुक हो गया है, अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। अगर आप फ्रेश मेथी यूज कर रहे हैं तो पहले मेथी को कुक करेंगे, बाद में मशरूम्स को कुक करेंगे। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कुक कर लेंगे। मेथी कुक हो गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ग्रेवी में डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ, आप दूध की जगह पानी भी यूज कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो ग्रेवी का टेक्सचर कितना क्रीमी बना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी मशरूम मेथी मलाई। मेरी और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।